अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अबू बकर 3D ज्वेलरी डिज़ाइन। सो दोस्तों, मैट्रिक्स 9 की आज की इस क्लास में हम टेक्सचर बिल्डर का यूज़ करना सीखेंगे कि टेक्सचर बिल्डर को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करते हुए किस तरह से हम टेक्सचर बना सकते हैं और किस तरह से टेक्सचर को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताते मैंने कुछ टेक्सचर सामने बना के रखे हुए हैं। आज मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताऊँगा कि ये टेक्सचर्स हम किस तरह से बना सकते हैं, और मैं आप लोगों को ये सरफेस नीचे फ्लैट सरफेस है इसके ऊपर बना के बताऊंगा। लेकिन ये नहीं कि जो फ्लैट सरफेस पे मैं टेक्सचर बनाऊंगा वो फ्लैट ही बनेंगे, मतलब कि आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं नीचे फ्लैट बनाऊंगा, बाकी आप उन टेक्सचर्स को किसी भी सरफेस के ऊपर कहीं भी आराम से इजीली अप्लाई यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की जो हमारा टॉपिक है टेक्सचर बिल्डर के बारे में हम उसको स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात कि मैं वीडियो काफ़ी यानी कि मेरी जो वीडियो अपलोड हो रही है थोड़ा से यानी कि टाइम से अपलोड हो रही है, थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे वीडियो अपलोड करने में, मतलब कि एक वीडियो मेरी एक हफ्ते में या दो हफ्ते में आ रही है। उसकी वजह ये कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि रमज़ान चल रहे हैं और मैं थोड़ा सा मसरूफ़ भी हूँ। इंशाल्लाह ताला जैसे भी रमज़ान गुजर जाएंगे ईद के फ़ौरन बाद मैं आप लोगों के साथ डेली वीडियो अपलोड किया करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत से टॉपिक हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को सिखानी है। जैसे मैश है, मैश के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताना है, और भी बहुत से टॉपिक है जो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ ईद के बाद शेयर करूंगा। आज की वीडियो में हम टेक्सचर बिल्डर के बारे में सीखेंगे कि टेक्सचर बिल्डर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं यहाँ से इसको पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, F7 दबा के मैं ये सरफेस वापस ले आता हूँ। लुकिंग डाउन में जाता हूँ, यहाँ भी F7 दबा के मैं ये विंडो वापस ले आता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने कोई एक सरफेस क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं जाता हूँ सरफेस में और यहाँ से ये देखें प्लेन फ्रॉम कॉर्नर। ठीक है, इसको लेके एक सरफेस बना लेता हूँ, या कोई भी सरफेस। ठीक है, एक मेरी ये सरफेस बन गई। उसके बाद इस सरफेस को मैं डुप्लीकेट लेता हूँ यहाँ पर ऐसे, और एक डुप्लीकेट में यहाँ लेता ऐसे। उसके बाद कुछ हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव में जाते हैं, यहाँ प्रोस्पेक्टिव में गए, और प्रोस्पेक्टिव में जाने के बाद इस सरफेस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको कर लें आपकी मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी को पहले सिलेक्ट कर लें। इस सरफेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं जाता हूँ आर्ट में। आर्ट में जाने के बाद यहाँ पर ये देखें, ये वाली तीसरी ऑप्शन ये है टेक्सचर बिल्डर, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे ना हम, तो हमारे पास ये नीचे विंडो आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ, इस विंडो को मैं यहाँ पे ले आता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास विंडो यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। तो अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सरफेस को ले कर इस सरफेस को सिलेक्ट करके इसके अंदर ऐसे यहाँ पर डाल देंगे। ये मैंने यहाँ पर डाल दी सरफेस। अब जैसे ही मैंने सरफेस डाली है तो यहाँ पे कुछ टेक्सचर देखें, हल्का सा टेक्सचर यहाँ पे आपको अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से देखें, अब मैंने क्या करना है, ये जो हमारे इमेज की ऑप्शन लिखी हुई है ना इमेज, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। यहाँ क्लिक कर लें, यहाँ पे कर लें, आपकी जैसी आपको आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा, जहाँ पर ये टेक्सचर इसके ऑटोमेटिक ही जो मैट्रिक्स के टेक्सचर हैं इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो यहाँ से कोई भी टेक्सचर आप इजीली उठा सकते हैं जो आपको सूटेबल हो। ठीक है, जैसे कि मैं ये वाला टेक्सचर ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से ये टेक्सचर लेता हूँ और एंटर मारता हूँ। ये मैंने एंटर किया तो ये मेरा टेक्सचर जो है यहाँ पर ये देखें आ गया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल हल्का हल्का सा यहाँ पे शो हो रहा है, कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखें ऑप्शन है, यहाँ पर लो हुआ है, बिल्कुल लो लिखा हुआ है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन है, मीडियम और हाई। अब हम उसको सबसे पहले हाई पर कर देते हैं। जैसे ही हम उसको हाई करेंगे तो ये देखें ये टेक्सचर हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया, ओके हो गया। उसके लिए अब हमारा टेक्सचर ये काफ़ी बारीक बारीक आ रहा है, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो है रेशो मैं बढ़ा देता हूँ, सॉरी ये बारीक हो रही है, हमने इसको कम करना है। जब कम करेंगे तो ये मज़ीद खुला हो जाएगा टेक्सचर, ये देखें ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ये बिल्कुल उसी तरह से वर्क कर रहा है जैसे हमारा स्मार्ट पैटर्न वर्क करता है। ठीक है, और उसके बाद अब हमने इसको बढ़ाना है ऐसे, ये देखें ये टेक्सचर हमारा इस तरह बढ़ रहा है। और अगर आपको ये टेक्सचर अच्छा ना भी लगे तो आप इसको यहीं पर चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे है कि यहाँ पे दोबारा क्लिक करें, दोबारा क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएं और कोई और दूसरा टेक्सचर ले लें जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं और एंटर कर देते हैं। अब हमने एंटर किया तो वो टेक्सचर हमारा अब यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी टाइमिंग चली थी और यहाँ पर हमारा टेक्सचर अप्लाई होकर आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको हमने ऐसे के ये टेक्सचर हमारा हो रहा और इसको यहाँ पर ऐसे ले आते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा टेक्सचर कितना खूबसूरत यहाँ पे आ गया, ये देखिए। ठीक है, ये कितना खूबसूरत हमारा टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हाई ज़रूर रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे लो मीडियम पे मत रखिएगा, हाई रखिएगा इसको। उसके बाद ये आ गई रोटेशन। ठीक है, ये टेक्सचर हमारा सीधा है। अब हम इसको अगर 1 पे करते हैं तो देखें टेक्सचर हमारा रोटेट होगा, ये देखें ये टेक्सचर हमारा रोटेट हो रहा है।
अब आपकी मर्जी है, आप जितना इसको रोटेट करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहें, कम से कम करना चाहें, सीधा रखना चाहें तो सीधा रख लें, आपकी मर्जी है। उसके बाद हमारे पास हम इस ऑप्शन पर जाते हैं, ये है देखें, ये है विद हाइट। अब इसकी हमने हाइट ये देखें यहाँ लिखा वो 0.2, अब यहाँ से मैं इसको करता हूँ ठीक है 0.3, तो ये देखें यहाँ पे जितनी मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा उतनी इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। ये देखें ये हाइट बढ़ रही है, मतलब कि ये हमारा सिंपल अल्फाजों में कह लें ये गेज है। इसको हम बैक कर देते हैं सारे को तो 0.8 कर देते हैं और यहाँ एंटर मारते हैं। जैसे मैंने 0.8 एंटर किया तो ये देखें यहाँ पर ये कितनी ज़्यादा इसकी हाइट होके आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। और साथ जब मैंने एंटर किया तो ये क्रिएट भी हमारा हो गया, ये देखें एक टेक्सचर हमारा क्रिएट हो गया। अब उसी तरह से हम क्या करते हैं, अब इस सरफेस पे क्लिक करते हैं, इस सरफेस को दोबारा इसमें अप्लाई डाल देते हैं। अब जब सरफेस को मैं इसमें डालूंगा तो यही वाला टेक्सचर मेरा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी तस्वीर इसके अंदर मौजूद है। अब मैंने क्या करना है, इस पर क्लिक करता हूँ ठीक है, और उसके बाद यहाँ चला जाता हूँ, कोई दूसरा टेक्सचर उठा लेता हूँ ये वाला और एंटर कर देता हूँ। अब वही ऑप्शन देखें, अब आपके सामने आ रही कि यहाँ पे थोड़ा सा ये खुरदरापन आ रहा है, बिल्कुल साफ क्लियर नहीं आ रहा। उसके लिए हम क्या करते हैं, दोबारा यहाँ पे क्लिक किया और हाई कर दिया इसको। अब जब हम हाई करेंगे तो वो जो हमने यहाँ पे रेशियोज की सेट की हुई थी ना यहाँ पे, अब वही रेशियो हमारी यहाँ पे आ जाएगी, मतलब कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे सेट की हुई है वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो हर टेक्सचर की वैल्यू उसके हिसाब से हमने सेट करनी है। तो अब इस टेक्सचर की वैल्यू हम कम करेंगे, जैसे हम ये यहाँ पर है तो हम इसको कम करते हैं ऐसे ठीक है, इसको भी हम यहाँ से कम करते हैं, ये हमने कम करना शुरू कर दिया, देख ये हमारी कम हो रही है। और जो इसकी रोटेशन है उसको भी हम कम कर देते हैं, ये देख ये हमारी रोटेशन कम हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, हम इसको एक कर देते हैं ठीक है। ये एक आ गई हमारी रोटेशन, ये यहाँ पर ऐसे ले आया सिफर पे, तो ये देखें जैसे मैं सिफर पे लेके आया तो ये हमारी यहाँ पे यहाँ आ गई। उसके बाद ये 0.4 का हमने इसको गेज दिया हुआ, ये 0.4 हमारा गेज है। अब हम इसको अगर 0.5, 0.6, 0.7 पे करेंगे तो ये हमारी हाइट जो है ये बढ़ जाएगी, असल में ये गेज आ रहा है, गेज से मुराद ये हाइट आ रही है, ऑफ साइड पीछे से खाली ही आएगा हमारा ये ठीक है। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ से इसको क्रिएट कर देना है तो ये हमारा क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ये देखें हमारी सरफेस क्रिएट हो गई यहाँ पे, तो ये हमारा एक और टेक्सचर यहाँ पे रेडी हो गया। मैं F7 दबाता हूँ अपने लैपटॉप से और बैक की विंडो में गायब कर देता हूँ। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अभी सरफेस को लेते हैं और दोबारा से इसमें डाल देते हैं। अब वही टेक्सचर हमारा ये वाला इधर आ जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं दोबारा से और यहाँ दोबारा जाके अब हम यहाँ पे इसको ये वाला टेक्सचर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। अब देखते हैं ये कैसे आता है हमारा, ये टेक्सचर आ गया हमारा। अब यहाँ पे लो है, दोबारा इसको हम यहाँ पे हाई कर देते हैं। अब हमने जैसे ही इसको हाई करना है तो ये देखिए ये हमारा टेक्सचर यहाँ पे कितना खूबसूरत आया ठीक है। अब हमें कोई ऐसा टेक्सचर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइन वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके अंदर टेक्सचर मौजूद है, हम यहाँ पे इजीली इसको कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको मैं कम करता हूँ, ये देखें ये मैंने कम किया तो ये कितना खूबसूरत, ये देखें कितना खूबसूरत हमारे यहाँ पे ये टेक्सचर आ रहा है, ये देखें। अब इसकी जो लाइनिंग है वो भी आप कम कर सकते हैं, ये देखें ऐसे, और इसको 5 mm कर लें ऐसे, ऐसे बढ़ा लें इसको। अब वही रोटेशन है यहाँ पे, अगर रोटेट करना चाहें तो आप रोटेट कर लें, जैसे आपको इजी खूबसूरत बनाना चाहें टेक्सचर को रोटेट करके तो वो भी आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया हाइट है, मतलब कि कितनी हाइट आपने रखनी है, ये इसकी ब्लैक हाइट है, मतलब कि बिल्कुल डाउन चला जाएगा। अब आपकी मर्जी है आपने इसको कितना रखना है, उसके बाद जस्ट आपने यहाँ से क्रिएट कर देना है ठीक है। जब आप क्रिएट कर देंगे तो ये सरफेस हमारी क्रिएट हो जाएगी। बैक की सरफेस जितनी भी हैं वो मैं अभी इसको, जितनी भी हमारी बैक की सरफेस है ना वो अभी हम हाइट कर देते हैं ठीक है। हमारी बैक की सरफेस जितनी भी हैं उसको हम हाइट कर देंगे और यहाँ से लेयर मैं खोल लेता हूँ, ये वाला इनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ठीक है टेक्सचर्स का। और इसका मैं कलर पहले ये वाला कर देता हूँ, यहाँ से इसका कलर ये और इसका कलर हमारा ये वाला ठीक है। और बैक सरफेस मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ। अब हमारे पास ये टेक्सचर आ चुके हैं ठीक है ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे आ गए हमारे। अब इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ टेक्सचर्स को ठीक है। ये हमारे कुछ इस तरह से टेक्सचर अप्लाई होके यहाँ पे आ जाएंगे, ये आ गए हमारे यहाँ पे टेक्सचर्स। अब हमने क्या करना है, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर इसको हम ये वाला कलर दे के देखते हैं पहले ये हमारा कैसे आ रहा है ठीक है ओके। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि अब आपने ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पर हमने इसको कर तो ली है, अब हमने यहाँ पे सरफेस भी बना ली है लेकिन अभी पीछे से ये खाली है ठीक है। ये देखें ये पीछे से खाली है, इसको गेज नहीं है क्योंकि ये मैश फाइल है, तो मैश फाइल को यहाँ से तो ऑफसेट कभी भी नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा, लिखा हुआ स्लैट सरफेस और पॉली सरफेस, इसको यहाँ से गेज कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस सरफेस पर सेलेक्ट करेंगे सरफेस को ठीक है। उसके बाद मैश में जाएंगे, मैश की विंडो खोलने के बाद सॉरी ये मैश पे क्लिक किया और तीसरे नंबर पे ये रही ऑफसाइड मैश, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद
हमारे पास ये बार आ जाएगी। अब यहाँ पहले सॉलिड पे क्लिक कर देते हैं, मतलब कि वो सॉलिड तो हमने करना है, जैसे ऑफसेट करते हैं तो यहाँ सॉलिड लिखा हो और उसके आगे नो लिखा हो तो वो गेज तो देता है लेकिन बीच में खला आता है, सॉलिड नहीं होता नो होने की वजह से। तो अब हमने यहाँ पहले सॉलिड पे क्लिक कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि आपने इसको डिस्टेंस कितना देना है, मतलब गेज कितना देना है। हम यहाँ पे जितना भी लिखना चाहे हमारी मर्जी है, मैं हल्का ही लिखता हूँ गेज 0.25 और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब मैंने ये ओके किया तो अब आप इसको देखें ये इसको गेज आ गया, ठीक है। अभी हमारा सॉलिड गेज आ गया। अब आप देख रहे होंगे ये इसमें खुरदरापन आ रहा है, तो ये इतना कोई मायने नहीं रखता, ये बिल्कुल बारीक सा और ये नज़र भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सरफेस को, यानी कि थोड़ा देखें सरफेस यहाँ से ख़राब हो रही है, फट रही है, तो इसको क्लियर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्मूथ। ये मैंने स्मूथ लिखा सबसे ऊपर और यहाँ पे मैं 1 mm ही रहने देता हूँ इसका गेज। यहाँ तमाम आपने जो चारों खाने हैं इसमें चेक लगा के रखना है और ओके कर देना। जब आप ओके करेंगे यहाँ पर तो ये जो सर्फेसें ख़राब थी ये देखें, उसने बिल्कुल हमारी सर्फेसें क्लियर कर दी, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये बात मेरी बात समझ आई होगी कि मैंने गेज कैसे दिया और जो सर्फेसें गेज देने के बाद फट गई थी उनको ठीक मैंने कैसे किया। तो इसी तरह से जो बाकी की हमारी सर्फेसें हैं मैश जो हुई हुई हैं, इनको गेज नहीं आया हुआ, इसी तरह से हमने इनको मैश फाइल में जाके सरफेस ऑफसेट सरफेस करना है। और अगर सरफेस हमारी कहीं से फट जाती है तो उसको हमने आराम से इजीली स्मूथी कमांड यूज़ करके आराम से उसको हम स्मूथ कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने टेक्सचर बिल्डर का यूज़ करना सीखा। लेकिन मैं आपको फिर एक बार बता दूँ कि मैंने तो ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट बना के आप लोगों को सिखाई है, लेकिन आप जो अगर अंगूठियाँ कोई बनाते हैं, कोई अंगूठी बनाते हैं, कोई भी किस्म की चीज़ बनाते हैं जो सरफेस मिसाल के तौर पे उसकी हाइट पे हो या हवा में सरफेस हो या बैक पे हो, ऊपर डाउन नीचे जहाँ भी सरफेस हो, उस सरफेस का भी आप आराम से क्रिएट यूवी कर्व लेके यही टेक्सचर अब बना के और अप्लाई मैश यूवीएन के ज़रिए इस टेक्सचर को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ जाके इसी तरह से ऑफसाइड सरफेस ऑफसाइड मैच सरफेस करें और उसको स्मूथ करें और आराम से इस टेक्सचर को अप्लाई करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।